सब नए आर्टिस्ट है लेकिन सबकी एक्टिंग अच्छी है। स्टोरी वाइज अगर डायरेक्शन एंड एवरीथिंग बात करें तो कितनी परफेक्टनेस है, कहीं कोई कमी लगी आपको मूवी में या एंटरटेनमेंट में? नहीं, परफेक्ट मूवी है, गाने बहुत अच्छे हैं। कितने स्टार्स हैं इसमें? 5 में से 4। फिल्म बहुत अच्छी थी और सबसे बड़ी बात, मैं भी फिल्म का पार्ट था, मैं खुद को भी देखने गया था, तो फिल्म करते हुए तो नहीं पता था कि कैसी स्टोरी है, बट अभी देखी पूरी फिल्म तो बहुत मज़ा आया। वरुण ने, रिया ने और दिव्यांगा ने सबने बहुत अच्छा किया और म्यूज़िक स्पेशली भट्ट साहब का है ही सुपर, तो म्यूज़िक तो डायरेक्शन बहुत अच्छा था, पुष्पदीप सर ने किया था और वो है भी बहुत अच्छे इंसान और बहुत प्यारा डायरेक्शन था, बहुत प्यारी मूवी। सुपर सर, सुपर, भट्ट साहब के म्यूज़िक में तो कोई बोल ही नहीं सकता कुछ भी। हाँ, काफ़ी कुछ रियलिस्टिक था इसमें, ऐसा कुछ नहीं था कि फिल्मी है, जैसा होता है फिल्मी में लव स्टोरी में, फिल्मी नहीं था, रियलिस्टिक था। देखना चाहेंगे? ज़रूर ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। 5 out of 5। कैसी लगी? इट वाज गुड, नाइस, इट वाज नॉट सो गुड, मीडियम बस। वरुण एंड रिया कैसे एक्टिंग? ठीक है, मतलब इतना कुछ नहीं है। डायरेक्शन कैसा था मूवी का? क्या डायरेक्शन कैसा था मूवी का? और मतलब इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, लास्ट पे जो सोचा था इतना कुछ नहीं हुआ। म्यूजिक कैसा था मूवी का? अच्छा है, सॉन्ग सब अच्छे हैं। फिर से देखना चाहेंगे आप मूवी? नो। कितने स्टार आउट ऑफ 5? 2। कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, आई लव्ड इट, बट आई थिंक सो ऐसी केमिस्ट्री हर मूवी में रहनी चाहिए, मतलब और मेन तो क्लाइमैक्स था, क्लाइमैक्स में जो उन लोग ने लाइन्स बोली है लास्ट में, फॉर एवर लव, आजकल के इसमें तो कोई रिलेशनशिप ऐसी होती नहीं है, सो हैट्स ऑफ टू दैट रिलेशनशिप्स। हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में एक्चुअली विलन वगैरह होते हैं, इसमें तो ऐसे फेरी टेल वाली रिलेशनशिप्स बताई है, सो इट वॉज़ अ वेरी नाइस मूवी। इट वॉज अ फैबुलस केमिस्ट्री, मतलब ये होके भी किसी और से प्यार करना वो बहुत अलग बात है, सो इट वॉज़ वेरी नाइस। म्यूज़िक तुमसे सॉन्ग, इट वॉज़ वेरी रोमांटिक, सो ऐसे गाने बहुत आने चाहिए ऐसा मैं सोचती हूँ। जलेबी वाला 4.5। फैब थी, बहुत अच्छी थी, लाइक रोमांटिक, थ्रिलिंग भी थी, थोड़ा रोना धोना ऑब्वियसली सब में होता है, लाइक ऑल लाइक फैब थी। रिया बहुत अच्छी थी, केमिस्ट्री उनकी बहुत अच्छी थी, एंड लाइक बोलते हैं ना, एक जैसा कपल गोल्स होते हैं वैसा, ऑब्वियसली बिछड़ना सबको बुरा लगता है, बट ऑब्वियसली एक बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उसके इस फ्यूचर के लिए अपना लव, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा था, लाइक बोलेंगे ऑब्वियसली यस, जो इसकी थी लाइक अपने बट की तो ऑब्वियसली अच्छी थी, और लाइक गाने भी मस्त मस्त थे उसमें, तो रिलेट कर सके एक वन तो वो बहुत है। स्टोरी लाइन में ऐसा सीक्वेंस जब दूसरी बंदी आके उसको बोल रही है, जब पता रहे कि भी, एंड वो अलाउ कर रही है उसको वापस जाने लाइक बात करने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। म्यूजिक कैसा था? म्यूजिक बहुत अच्छे थे, सारे सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे। ऑब्वियसली देखना चाहूँगी, बहुत अच्छी। 5 to 5। फिल्म बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, रोमांटिक थी, क्लाइमैक्स भी फैब था। फैब बहुत अच्छी थी, लाइक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मूवी। स्टोरी में जो एक था एंडिंग में, जो क्लाइमैक्स था वो मतलब मेन था, जो उन लोग की जो स्टोरी, कैसे बताऊँ मैं, लाइक ऑलमोस्ट जो उनका जो स्टोरी एकदम डायरेक्शन अच्छा था। म्यूजिक लास्ट जो गाना था एंडिंग का क्लाइमेक्स वो अच्छा था। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा याद रहेगा मूवी को लेकर? जलेबी कॉन्सेप्ट उसका तो हर एक पार्ट बेस्ट था, एस द मेन थिंग वाज जब वो एंडिंग वाला पार्ट, जब उसको जब अपना जो स्टोरी बताता है कि वो लाइक वो क्यों नहीं आया, वो था हार्ट टचिंग। फिर से देखना चाहेंगे? 5 on 5। तो कैसी लगी फिल्म? चले भी बहुत अच्छी, स्टोरी बहुत अच्छी थी, उसके सॉन्ग्स अच्छे लगे,
और जो आलिया भट्ट के डैड थे उनका भी सॉन्ग बहुत बेस्ट था और हाँ म्यूजिक बहुत अच्छा था और रिया ने का जो एक्टिंग था वो भी बहुत बेस्ट था। लव स्टोरी तो बाप थी इसकी। ऐसी तो लव स्टोरी मैंने अभी तक नहीं देखी, इससे अच्छी लव स्टोरी तो आज तक नहीं देखी। वन ऑफ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, वन ऑफ द बेस्ट मूवी। और जिसके सीन्स थे ट्रेन सबके भी बहुत बेस्ट थे और मूवी बहुत अच्छी थी। डायरेक्शन कैसा था मूवी का? ठीक ठाक था, मतलब जो एक्टिंग थी ना वो तो बहुत बेस्ट थी। अपना रिया का भी और वरुण का भी बहुत अच्छी मूवी थी ये सब। अच्छी लगी अब क्या, दोनों की एक्टिंग अच्छी थी, एक्टिंग दोनों ने अच्छी किया, सही एक्टिंग की दोनों ने। मतलब कुछ ऐसा बोल नहीं सकते कि इसमें कम हो गया उसमें कम हो गया, एक्टिंग दोनों ने बराबर की थी और अच्छी एक्टिंग की है। बस अच्छी लगी मूवी और क्या, अच्छी जितना एक्सपेक्ट किया था आपने उतना मूवी आपको पसंद आई। हाँ ये सीजन का बेस्ट मूवी था ये। मुझे भी जो एक्सपेक्ट किया था ना उससे ज़्यादा ही लगा मेरे को। फिर से देखना चाहेंगे फिल्म? ज़रूर ज़रूर ज़रूर। कितने स्टार आउट ऑफ 5? 5 आउट ऑफ 5, 4.5, 5। थैंक यू सो मच, थैंक यू।